नंबर 5 में मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पर कैपेसिटर था, कैपेसिटर के साथ एक चार्ज था इनिशियली वी वोल्ट से, और इसके बाद हमने करंट और वोल्टेज फाइंड आउट किया था, टाइम टाइम के साथ किस तरह से वो वैरी कर रहे करंट और वोल्टेज, वो हमने देखा था, वीसी भी निकाला था और साथ में। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें मेरा सोर्स वोल्टेज Vs लगा हुआ है, यहाँ पर इंडक्टर L है और एक कैपेसिटर है जो इनिशियली चार्ज है V नॉट से। अभी हम इसको देखेंगे किस तरह से वोल्टेज जनरेट होता है, IT टाइम के साथ किस तरह से वैरी करता है और साथ में VC टाइम के साथ किस तरह वैरी करता है। तो दोनों के रिजल्ट को हम लोग कंपेयर भी करेंगे, वेव फॉर्म भी ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका रिजल्ट एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग देख सकें दोनों में क्या अंतर आ रहा है। तो इसके लिए हमने जो IT का वैल्यू निकाला था वो आया था मेरा वी नॉट अंडर रूट सी बाई एल साइन ओमेगा नॉट टी, और जो VC आया था वो था माइनस वी नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका डेरिवेशन। सबसे पहले हम लोग लैपलेस का यूज करके इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो कैपेसिटर, कैपेसिटर के लिए हम लोग यूज करेंगे, सबसे पहले तो यह मेरा वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स के लिए हम लोग लिखेंगे वी एस बाई एस, के बाद इंडक्टर है मेरा, तो इंडक्टर के लिए सबसे पहले लोड हम लोग यूज करेंगे एस एल, और उसके बाद जो वोल्टेज सोर्स होगा इसका इंडक्टर का एडिटिव होता है, इसके साथ ऐड हो जाता है। तो यहां पर मेरा ए माइनस प्लस, ए भी हो जाएगा माइनस और प्लस, ए मेरा हो जाएगा एल आई जीरो, और उसके बाद हम लोग कैपेसिटर के लिए ड्रॉ करेंगे। तो कैपेसिटर का जो लोड हो जाएगा वन बाई एस सी होगा, प्रीवियस लेक्चर्स में सारा कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है। और उसके बाद इसके लिए जो वोल्टेज का सोर्स होगा अपोज करेगा इधर प्लस और इधर माइनस, का वैल्यू क्या हो जाएगा वी नॉट बाई सी कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर आई नोट तो जीरो है, तो इसको हम लोग सिंपली शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद आई एस का वैल्यू देखेंगे क्या आ रहा है, तो आई एस मेरा आ जाएगा वी नोट बाई वी एस बाई एस इंटू वी एस माइनस हो जाएगा यहाँ पर वी नोट बाई एस इंटू एस एल प्लस वन बाई एस। तो हम लोग लिख सकते हैं वी एस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई एस, यहाँ पर सकते हैं एस स्क्वायर एल सी प्लस वन डिवाइडेड बाई एस सी, एस सी को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, एस सी एस से एस कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा फिर वी एस माइनस वी नॉट इंटू सी, यहाँ पर हम लोग कॉमन ले ले रहे हैं एल सी को, तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस वन बाई एल सी इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं वी एस माइनस वी नॉट इंटू वन बाई अंडर रूट एल सी डिवाइडेड बाई एल इंटू वन बाई अंडर रूट एल सी एस स्क्वायर प्लस वन बाई एल सी अंडर रूट का होल स्क्वायर, अरे क्लोज। हम लोग इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं वी एस माइनस वी नॉट, यहाँ पर हम लोग आई टी लिख लेते हैं, आई टी इक्वल टू हो जाएगा वी एस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई इस पूरा टर्म को, इसको पूरा को हम लोग लिख लेंगे साइन ओमेगा नॉट टी, साइन ओमेगा नॉट टी, जहां पर ओमेगा नॉट मेरा है अंडर रूट वन बाई एल सी। तो मेरा बच गया जो है वो अंडर रूट एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल इक्वल टू लिख सकते हैं
ये माइनस वी नॉट अंडर रूट ई बाई एल साइन ओमेगा नॉट टी। प्रीवियस से किस तरह से डिफरेंट है, तो प्रीवियस में वी एस का वैल्यू 0 था, वी एस उसमें नहीं था, और यहाँ पर वी एस गिवेन है इसलिए मेरा वी एस साथ में आ गया है। एक टोटल हो गया है वी एस और यहाँ पर एक माइनस वी एस माइनस वी नॉट। और जैसा कि होता है एलसी सर्किट में, एलसी सर्किट का रिजल्ट हम लोग हमेशा इस तरह से याद रखेंगे, अंडर रूट सी बाई एल साइन ओमेगा नॉट टी। बस वोल्टेज में वैरी होने से सारा कुछ सोर्स वोल्टेज देने से थोड़ा सा है डिफरेंट हो रहा है, थोड़ा सा वैरी कर रहा है। अब इसका देख लेते हैं हम लोग वी सी, तो वी टी हो जाएगा वी बराबर 1/c इंटीग्रेशन ऑफ, और इनिशियली चार्ज कितना था पहले से, पहले से वी नोट चार्ज था तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/c इंटू आई टी, आई टी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं वी एस माइनस वी नोट अंडर रूट सी बाई एल और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा नोट टी डी टी। ये हो जाएगा मेरा 0 से लेकर के टी तक प्लस वी नॉट, तो हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू वी एस माइनस वी नॉट, और टी को अगर अंदर लेकर के जाते हैं तो अंडर रूट टी बाई टी स्क्वायर एल इंटू, ये मेरा हो जाएगा साइन का माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट प्लस वी नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं वी एस माइनस वी नॉट अंडर रूट टी सी कैंसिल होगा तो 1/ टी एल इंटू ओमेगा नॉट बाहर आएगा तो अंडर रूट टी एल, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस है तो 0 से लेकर के टी तक कॉस 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ओमेगा नोट टी तो कैंसिल हो जाएगा। ये मेरा वैल्यू दे रहा है टी एस माइनस वी नॉट इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी पाई बाई टू पर कितना आ जाएगा, तो अगर हम पाई बाई टू पर निकालना चाहें तो पाई बाई टू पर ये मेरा 0 होगा, ओमेगा नॉट टी एक और अगर हम लोग ले लेते हैं पाई बाई टू तो ए वैल्यू आ जाता है मेरा वी एस माइनस वी नॉट प्लस वी नॉट इक्वल टू वी नॉट कैंसिल हो जाएगा वी एस, पाई बाई टू पर ही मेरा जो वैल्यू दे रहा है वी एस दे रहा है, और अगर ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू पाई पर हम लोग देखते हैं पाई पर आ जाएगा वी सी टी इज इक्वल टू वी एस माइनस वी नॉट 1 माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा ये प्लस वी नॉट इक्वल टू टू वी एस, और ए वी एस ए मेरा हो जाएगा माइनस वी नॉट और माइनस टू वी नॉट और प्लस वी नॉट तो माइनस वी नॉट। ये मेरा आ रहा है ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई पर, तो अगर हम इसका ड्रॉ करना चाहें वेव फॉर्म पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, आईटी का आईटी कितना हो जाएगा वी एस माइनस वी नॉट अंडर रूट सी बाई एल साइन ओमेगा नॉट टी। तो हम लोग देख रहे हैं 0 के बाद
ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो पर, ये जीरो है, साइन वेव को फॉलो कर रहा है, तो इसको तो हम लोग सिंपली बना सकते हैं। ये मेरा टाइम है, तो ए मेरा जो है जीरो पर जीरो होगा, उसके बाद मैक्सिमम पहुंचेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा टी पाई बाई टू, मतलब कि टी इज इक्वल टू पाई बाई टू ओमेगा पर मैक्सिमम पहुंचेगा, और उसके बाद फिर जीरो पर आ जाएगा, क्योंकि डायोड लगा हुआ है, निगेटिव करंट इसे फ्लो नहीं करेगा। के बाद हम लोग आते हैं वोल्टेज के लिए, तो वोल्टेज हम लोग देखें, ए पाई बाई टू पर मेरा जो वोल्टेज है वी एस है, ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू जीरो पर ये जो वैल्यू देगा वी एस माइनस वी नॉट प्लस वी नॉट, वी एस ही देगा, और ओमेगा टी जीरो पर भी देगा वी एस ही, पाई बाई टू पर भी मेरा ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो पे कितना दे रहा है, कॉस जीरो का वैल्यू वन हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो, ये वी नॉट वैल्यू दे रहा है, और उसके बाद फिर पाई बाई टू पर वी एस, तो वी नॉट से स्टार्ट होगा, पाई बाई टू पर वी एस चला जाएगा, और वी एस जाने के बाद फिर से टू वी एस माइनस वी नॉट, यहां से और भी ज्यादा बढ़ते हुए चला जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा पाई बाई, यहाँ पर ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू पाई पर मेरा जो वैल्यू आएगा टू वी एस माइनस वी नॉट आ जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इस सर्किट को जिसपे कैपेसिटर लगा हुआ है, इनिशियली चार्ज है वी नॉट, यहाँ पर इंडक्टर है, स्विच है, और एक डायोड लगा हुआ है, इसमें हम लोग आई टी देखेंगे, आई टी का रिस्पॉन्स देखेंगे, वी एल टी का रिस्पॉन्स देखेंगे, वी नॉट सी वी सी टी देखेंगे, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज किस तरह से वैरी कर रहा है, और साथ में डायोड से होकर के जो करंट फ्लो कर रहा है इसका भी हम लोग वेव फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, टोटल तो चार वेव फॉर्म इसके लिए बनेगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।